हथियार लहराए और जश्न में गोलियां चलाई। डाक टिकट विवाद को लेकर दिल्ली में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इंदिरा और राजीव की तस्वीर वाली डाक टिकटें हटाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। पर इनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता या लज्जा है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कानून से मच्छर मारेगी केजरीवाल सरकार। कानून से क्या क्या हो सकता है? डेंगू जो जिसकी चिंता बढ़ती जा रही है उसको लेकर कानून बनाने से अभी क्या होगा? एक मच्छर ने देश को हिलाकर रख दिया है और सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का किया है। दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। अब जब डेंगू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो केजरीवाल औचक दौरे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेंगू पर लगाम लगाने के लिए उनकी सरकार कानून लेकर आएगी। कोई सीएम साहब को समझाए कि सिर्फ कानून बनाने से मच्छर नहीं मरेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आप ये तस्वीर जरूर देखिए। ये तस्वीर देश की दो सरकारों से सवाल पूछ रही है। आखिर क्यों डेंगू से निपटने में केजरीवाल सरकार हांफ रही है और मोदी सरकार के पसीने छूट रहे हैं? यह यूपी या बिहार के किसी दूरदराज गांव की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के नामी गिरामी राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां बेड तो दिख ही नहीं रहा, सिर्फ मरीज दिख रहे हैं। कोई नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, कोई बोलने वाला है ना कोई सुनने वाला। चार घंटे से बच्चा डला है, अभी एक गोली के लिए बाहर जा रहा पड़ रहा है। 6 नंबर में क्या कर रहा है, मरीज को लेकर अस्पताल में बेड कम है तो स्ट्रेचर पर मरीजों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और ये कहानी सिर्फ राम मनोहर लोहिया अस्पताल की नहीं है। एक जो पलंग है उस पर तीन तीन जो है पेशेंट्स उनको शेयर करना पड़ रहा है। जिनको पलंग नहीं मिल पाया है वो ट्रॉली पर उनको लिटाया गया है, ट्रॉली पर ही उनको ड्रिप दी जा रही है। दिल्ली के बाकी जो दूसरे अस्पताल हैं, जो कि मुख्य अस्पताल जिनको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कहा जाता है, उन सब में तकरीबन यही हालात है। दिल्ली में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डेंगू के अब तक 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा पेशेंट का तबीयत खराब है और जो है ना यहाँ पर कोई देखरेख नहीं हो रहा है। 8 साल के अविनाश की जान डेंगू की वजह से चली गई। माँ बाप बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और छत से कूदकर जान दे दी। फिर 6 साल के अमन की मौत की खबर आई। परिवार के मुताबिक दिल्ली के 7 अस्पताल मिलकर भी अमन की जान नहीं बचा पाए। 4 अस्पताल ने तो भर्ती करने से मना कर दिया था और फिर 3 अस्पतालों में बारी बारी भर्ती कराया गया, लेकिन 6 साल के मासूम अमन ने दम तोड़ दिया। बुधवार को 40 साल की मोनिका की भी जान नहीं बचाई जा सकी। मोनिका के परिवार का आरोप है कि गंगाराम और साकेत के मैक्स अस्पताल ने बेड की कमी का बहाना बनाकर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। मैं जब उसको लेकर गई हूँ स्पेशलिस्ट से इमरजेंसी तक, वहाँ पर मुझे बोल दिया गया कि सॉरी वी डोंट हैव बेड्स। डेंगू से हो रही मौत की खबरों के बाद मंगलवार को सीएम केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ अस्पतालों के औचक दौरे पर निकल पड़े। अस्पताल के दौरे के बाद केजरीवाल ने डेंगू से लड़ने के लिए एक नया प्लान पेश किया। केजरीवाल डेंगू से लड़ने के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं। सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। अगले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स करते हैं तो हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पोररी पीरियड के लिए क्या ऐसे हॉस्पिटल्स को सरकार टेक ओवर कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। आखिर कानून लाने से डेंगू पर काबू कैसे पाएंगे केजरीवाल? इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने का जिम्मेदार कौन है? डेंगू हर साल होता है, इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कौन से इंतजाम किए थे? केजरीवाल स्टेट इमरजेंसी भी घोषित कर सकते हैं, कानून लाने की क्या जरूरत है? पूरी की पूरी पार्टी इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल डूसू चुनाव में बिजी थे, पूरे 70 MLA आपके बिजी थे। जो आपको काम करना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया और आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन विशेष सत्र है कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे। आपने क्या डेंगू के प्रिवेंशन के लिए जो एजुकेशन होनी चाहिए थी आपने 1 रुपया भी खर्च किया? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। ये दोनों पार्टियां
भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा के अपना जिम्मा टालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने सबक नहीं लिया। सभी जगह हमने अपनी बेड स्ट्रेंथ बढ़ाया है और उसकी आज मैंने खुद उसको देखा कि ज्यादा से ज्यादा बेड स्ट्रेंथ रहे, किसी पेशेंट को ना नहीं कहा जाए। केजरीवाल के औचक दौरे की दूसरी कहानी भी सुन लीजिए। मंगलवार को केजरीवाल ने जीटीबी और हेगड़ेवार अस्पताल का दौरा किया। केजरीवाल मरीजों का हालचाल पूछते और एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आए। ये दौरा औचक था या फिर सुनियोजित, ये कह पाना मुश्किल हो गया क्योंकि अस्पताल के मरीज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 2 बजे से उसकी वो हटी हुई है, 2 बजे से कोई नहीं आया डॉक्टर देखने और एक एक बेड पे 4-4 जने हैं। बेड शीट वगैरह सब ऐसी पड़ी है, ना कोई देखने आता ना कुछ है। ये तो अभी 2 घंटे पहले सब कुछ दिखाया है ये कि हमने ये किया वो किया, उससे पहले कुछ नहीं था। हाँ, उसके आधे घंटे पहले ही सब कुछ किया है ये, उससे पहले कुछ भी नहीं था। पेशेंट जमीन पे लेट रहे, कहते मशीनें खराब है। फिर मशीनें खराब है तो क्यों खोले हुए ये अस्पताल, यहाँ बंद करो ताला लगा। मेरे 15 दिन भागते भागते हो गए। डेंगू को लेकर डर पहले से ही था, लेकिन एक के बाद एक हो रही मौत की खबरों ने इस डर को लोगों पर हावी कर दिया है। दिल्ली के 39 सरकारी अस्पतालों से लेकर 350 प्राइवेट अस्पतालों तक सब में बुरा हाल है। वहीं दिल्ली सरकार 2 से 3 हजार बेड बढ़ाने की बात कह रही है। 1000 बेड को बढ़ाने का संडे तक का टाइम है सबके लिए। डिजास्टर के बेड्स को भी जहां पर भी जरूरत है यूज कर सकते हैं। NS1 एंटीजन और डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, जिसे मैकेलाइजर भी बोलते हैं, दोनों टेस्ट के रेट्स को कैप किया गया है। अभी कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसके 600 रुपया पर टेस्ट से ज्यादा नहीं ले सकता और प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपए ले सकते हैं। सरकार भले ही दावे कर रही है, लेकिन डॉक्टरों के एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली सरकार ने डेंगू को लेकर डॉक्टर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं की है। WHO के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली में 90,000 बेड होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में अभी सिर्फ 45,000 बेड की व्यवस्था है। डेंगू को देखते हुए अगला एक महीना नाजुक है। आपके पास आज सारे अगर मिला ले हम लोग तो करीब 43,000 से 45,000 के बीच में हॉस्पिटल बेड्स आते हैं। हम ऑलरेडी आधे पे हैं, एक तो बेड्स हमारे पास ऑलरेडी कम है। हमारे पास न तो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बेड्स नहीं है, और बेड्स नहीं है इसका मतलब हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है, हमारे पास नर्सेस भी नहीं है। दोनों सरकारें अलग अलग दावे कर रही हैं। कोई कह रहा है कि स्थिति काबू में है तो कोई कह रहा है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन दो सरकारें मिलकर भी डेंगू के मच्छर को नहीं मार पा रही हैं। सीधी बात है, स्वास्थ्य जो है वो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम और आप अगर जाति पर ही वोट करते रहेंगे तो लोग स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों देंगे। डेंगू से जुड़ी तो नहीं एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको आगरा के अस्पताल की। ये देखिए, मरीज ठेले पर है और कूड़ा कचरा जो है अस्पताल का वो स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे। कोई वोट देगा इन सरकारों को इस आधार पर? नहीं। वोट देते वक्त इसको हराना है, उसको जिताना है, ये जाति का है, ये वो उस जाति का है, ये हमारा कैंडिडेट है, वो उसका कैंडिडेट है, ये कर देते हैं और फिर सरकारें बन जाती हैं और फिर पूछते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हुआ। ऐसे बन जाती हैं सरकारें। बिहार में बन जाएगी एक सरकार, इलेक्शन हो रहे हैं। मुंबई के ऑटो परमिट विवाद को लालू यादव ने वहां बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जोड़ दिया, उन पर निशाना साध दिया। ऑटो परमिट को बिहार चुनाव से जोड़ दिया, कैसे देखिए। मंत्रिमंडल में वो विषय था नहीं, उनके विभाग ने किया हुआ विषय है, इसलिए मुझे लगता है। और वैसे भी कानून में ये प्रोविजन है, तो कानून ही कहता है कि जिस राज्य में आप व्यवसाय करते हो उस राज्य की भाषा अवगत करना, इसलिए कोई IAS ऑफिसर भी आता है, उससे कंपल्शन है कि वो उस राज्य की भाषा सीखे। महाराष्ट्र सरकार ऑटो परमिट और लाइसेंस हासिल करने के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य कर चुकी है और विवाद के बाद तर्क दे रही है। 1 नवंबर से लागू होने वाले नियम का विरोध भी शुरू हो गया है। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे बिहार चुनाव से जोड़कर प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। बिहारियों को हिंदी भाषी होने के कारण तुम महाराष्ट्र में गाड़ी नहीं चलाने देते, तो बिहारी क्या 2 गुजरातियों को बिहार में सरकार चलाने देंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भाषा के नाम पर देश को बांटने वाला जारी तुगलकी फरमान
संघीय व्यवस्था पर हमला है। आशा इस मुद्दे पर मोदी मौन रहेंगे। अगर लालू यादव में हिम्मत है उसको उस कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ लेना चाहिए जिस कांग्रेस ने 1988 में यह कानून बनाया। ये कोई बीजेपी की सरकार ने कानून नहीं बनाया। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है कोई बिहारियों को छू भी नहीं सकता। कानून के बावजूद हजारों लोगों को लाइसेंस मिला है। मुंबई में आधे से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालक यूपी और बिहार के हैं। एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो पाया कि गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ऑटो चलाने के लिए स्थानीय भाषा जानना जरूरी नहीं है। कोई भी शख्स किसी भी भाषा में बात करने वाला ऑटो का परमिट हासिल कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार शिवसेना के नक्शे कदम पर चल रही है जिसकी राजनीति मराठी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही है। इससे पहले फडणवीस सरकार के उस सर्कुलर पर काफी विवाद हुआ था जिसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना देशद्रोह के दायरे में माना जा सकता है। चुनाव है और एक जनसंख्या के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है तो मुद्दा उठेगा चुनाव में जैसे उठ रहे हैं दूसरे मुद्दे भी। लेकिन असली अभी जो लड़ाई है वो सीटों को लेकर हो रही है दोनों गठबंधनों में। एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया लेकिन बीजेपी की मुश्किलें अभी तक नहीं सुलझी हैं। कभी बीजेपी का कोई विधायक बागी हो जाता है तो कभी सहयोगी मुंह फुलाने लगते हैं। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को, बीजेपी तो 31 सीटें जीती थी लोकसभा में 40 में से, तो क्या वजह है कि बीजेपी को इन सब के नखरे सहने पड़ते हैं? देखिए, सीट बंटवारे के बाद से ही एनडीए में महाभारत छिड़ी हुई है। मंगलवार की रात बीजेपी ने 43 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की उसमें पार्टी ने 5 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ कर दिया। इन्हीं में एक विधायक अब बागी हो गया है कि सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर का कितना माहौल गंदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में। उनका एक ही मकसद था, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो नहीं जीते, चाह रहे वहां से कोई भी चुनाव नहीं जीते। अमन पासवान भागलपुर जिले की पीरपैंती सीट से विधायक हैं। बीजेपी ने इस सीट से ललन पासवान को टिकट दिया है। गुस्साए अमन पासवान ने नीतीश से मुलाकात की है और जेडीयू का टिकट मांगा है। बीजेपी में तो टिकट कटने से विधायक बागी हुए हैं लेकिन सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी को पानी पिला रखा है। कभी पासवान नाराज होते हैं तो कभी मांझी, अब उपेंद्र कुशवाहा ने मुंह फुला रखा है। सीट बंटवारे में कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के खाते में 23 सीटें गई हैं। सीटों की संख्या को लेकर तो कुशवाहा को कोई एतराज नहीं है लेकिन बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है उससे पार्टी परेशान है। असली विवाद उस काराकट सीट को लेकर है जहां से उपेंद्र कुशवाहा खुद सांसद हैं। बीजेपी ने इस सीट से जेडीयू छोड़कर आए राजेश्वर राज को टिकट दिया है। कुशवाहा की पार्टी इस पर अपना दावा कर रही थी। हम लोगों ने काराकाट और नवीनगर दिया था, यदि वह काराकाट और नवीनगर का मामला सुलझा नहीं है तो यह घोषणा उचित नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जिस कोयरी जाति से आते हैं वो बिहार में पैसे और प्रभाव वाली बिरादरी है। ओबीसी बिरादरी की इस मजबूत जाति के वोट बैंक पर नीतीश कुमार की पकड़ थी। लोकसभा चुनाव के वक्त कोयरी वोट बैंक में सेंध लगी। बीजेपी नहीं चाहती कि कुशवाहा को नाराज करके कोयरी वोटरों को नाराज किया जाए। कुशवाहा की मौजूदगी की वजह से माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ कुर्मी कोयरी वोट एनडीए को भी मिले थे। रामविलास पासवान का आरोप है कि बीजेपी ने जितनी सीटें देने का वादा किया था उतनी नहीं दी। पासवान की पार्टी कुशवाहा की पार्टी को मिली सीटों के फॉर्मूले के हिसाब से बंटवारा चाह रही थी। कुशवाहा फॉर्मूले से अगर सीट बंटवारा होता तो फिर 46 सीटें उनके खाते में जाती लेकिन बीजेपी ने उन्हें 40 पर ही सेट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रामा सिंह जैसे पार्टी के बाहुबली सांसद को बागी होना पड़ा है। माझी जी को इम्पोर्टेंस दिया जाना या कुशवाहा जी को इम्पोर्टेंस दिया जाना कभी हम लोगों की चिंता का विषय नहीं रहा। हमारी चिंता बस इतनी थी कि जो जानकारी हमें दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी उसमें थोड़ा सा अंतर था। शायद उनको उतना जरूरी नहीं लगा कि ये जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए। दलित वर्ग के एक खास समूह पर पासवान की अच्छी पकड़ है। अपना वोट ट्रांसफर कराने में पासवान माहिर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में पासवान बीजेपी को अपनी इस ताकत का एहसास करा चुके हैं।
पासवान की अपनी जाति पर पकड़ की वजह से माना जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी जाति के ज्यादातर वोट एनडीए को मिले थे। बीजेपी का विजय फैक्टर ही दलित महादलित वोट बैंक है। ऐसे में बीजेपी हर हाल में पासवान को खुश रखना चाहती है। मांझी की पार्टी को बीजेपी ने लड़ने के लिए 20 सीटें दी हैं। मांझी की मांग इससे कहीं ज्यादा की थी। सीट बंटवारे को